सरकार से कश्मीर के अंदर कल बडगाम डिस्ट्रिक्ट के चडूरा तहसील के अंदर घुसकर आतंकवादियों ने हमला किया, जिसमें राहुल भट्ट नामक युवक की हत्या कर दी गई। सोची समझी साजिश एक तहसील के अंदर, तहसील ऑफिस के अंदर, वो भी कश्मीर के अंदर तहसील ऑफिस है, जो जिसकी सुरक्षा जो है बहुत बड़े पैमाने पर सुरक्षा उसकी होती है, लेकिन फिर भी किस प्रकार से ये घिनौनी हरकत आतंकवादियों ने अंजाम दी, इसके पीछे कोई ना कोई बड़ी साजिश है। कौन लोग इसके अंदर जिम्मेवार हैं, कौन से वह जयचंद हैं जो अंदर बैठे हैं, जो पूरी सूचनाएं वो ना आतंकवादियों को दे रहे हैं? मैं तो कहता हूं कि उसके अंदर ही बैठी हुई कुछ काली बेड़े हैं जो पूरी जानकारी जो है वो आतंकवादियों को मुहैया करवाती हैं। यह जांच होनी चाहिए इसकी, और जल्द से जल्द उन दोषियों को जो है मौत के घाट उतारना चाहिए। लगातार कल कश्मीरी पंडित समुदाय वहां पर प्रदर्शन कर रहा था, उस प्रदर्शन के तहत उन्होंने कहा कि अगर सरकार हमारी सुरक्षा नहीं कर सकती तो हमें हथियार मुहैया करवाए जाएं, हमारे लाइसेंस दिए जाएं, लेकिन सरकार ने 5 साल से यहाँ पर लाइसेंस जो हैं वो बंद रखे हुए हैं, किसी को भी जो है वो लाइसेंस नहीं दिए जा रहे। 5 साल से CBI यहाँ पर जो है वो गन लाइसेंस के जो फर्जीवाड़ा है उसको क्लियर नहीं कर सकी। हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि इस प्रकार से हिंदू की हत्याएं जो लगातार टारगेट किलिंग के तहत की जा रही हैं, कश्मीर को हिंदू विहीन करने की कोशिश जो है यह आतंकवादी करने की सोच रहे हैं, इनके मंसूबे हम पूरे नहीं होने देंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू जो है वो कश्मीर के अंदर जाएगा। आज भाजपा नेताओं को इसमें रोष का सामना भी करना पड़ा है उनके घर में। यह यही कारण है कि यह हिंदूवादी नीति से जो है हटते जा रहे हैं। अब लोग समझने लग गए हैं कि ये लोग हिंदुओं का साथ नहीं, यह कश्मीरियों का साथ देने जा रहे हैं। ये कश्मीर में जाके बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जम्मू के अंदर वोट इनको है, जम्मू के अंदर लोगों का चाहिए। तो इसलिए मैं सरकार को ये चेतावनी देता हूँ कि अगर इस प्रकार से दोबारा कोई घटना हुई और जो जो दोषी हैं वो अगर पकड़े नहीं गए तो हम सरकार की ईंट से ईंट बजाने से पीछे नहीं हटेंगे। राहुल भट्ट अमर है, 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 राहुल भट्ट अमर है।